ਗੋਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਏ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਾਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ मेरी गैर हाजरी च मजीठे दे लोकां ने कराई जिथे उन्हां दा धन्नवाद कीता उत्थे मैं समझदा जिहड़ा मेरे बहुत दिल दे नज़दीकी जिहड़ा मुद्दा बंदी सिंघां दी रिहाई और खास तौर ते भाई बलवंत सिंह राजोवाना साहब जिन्हां दी रिहाई नूं लै के जिस दिन दा मैं बाहर आया मैं इह गल बार बार कही है तुहाडे च और मेरी रोज़मर्रा दी अरदास है और मेरी रूह मैनू रोज ये कहिंदी है और वो आवाज़ अज तुसी सुनी है कि मन नू तसली उस दिन हो जिस दिन 27-27 साल 28-28 साल जिन्हां दे नाल तशद्दत मनुखी अधिकारां दा कान कोई कानून नहीं देश दा कोई वर्ल्ड का कानून नहीं कि तुसी 8x8 की चक्की च किसी नूं फांसी दे फंदे ते लमका के रखो इन्ने इन्ने साल ते उन्हूं इंसाफ ना दिओ जे डिफॉल्टर बाबियां दी झूठ जिन्हां ने पत्रकार का भी कतल किया जिन्हां ने धियां भैणां का रेप किया जे हुकूमतां सरकारां उन्हां नूं परोल ते लिया सकदी है वी बार बार लिया सकदी है फिर मन च सवाल उठदा है कि 27 साल 28 साल 8x8 दी चक्की च रहण वाले नूं क्यों नहीं परोल मिलदी भाई फैसला तुसी करना उन्हां दी मौत दा तुसी तां सुना भी दित्ता सी 2019 च 550 सालां च प्रधानमंत्री साहब ने आप मेरे को चिट्ठी है जिदे च मैं लगता 8वें नंबर पर यह लिखा कि भाई बलवंत सिंह राजोवाना की सज़ा नूं उम्र कैद च तब्दील किया जाता उसनू ना लागू करना देश दे प्रधानमंत्री का जिन्हां ने असैसीनेशन की और रिहा हो गया मतलब तमिलनाडु के वसनीकों लई वखरा कानून गुजरात च ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਮਾਰਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਰੋਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੇ ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਬੇ 'ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਡਿਆ ਬੂਰਕ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ 90-90% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁਣ ਆ ਗਲਵਾਨ 'ਚ ਹੁਣ 18-18, 17-17 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ देश वास्ते कुरबानी दे गए तो हुण जे देश दी गल आउंदी आ साडी गल सुनन वास्ते उदों साडी सुनवाई कोई नहीं पई और इत्थे कुछ निखिध निरे मैं उहना कह सकदा कदे कांग्रेस दे टौटी करदे कदे किसे दी करदे आ एम पी वर्गे इन्हां नूं मैनू कानून सिखाउणगे उह भुल गए भई कातिया कांड तुसीं शर्म आउणी चाहीदी तुहानूं तुसीं गल्लां करदे और ये नहीं करते गल कि भाई सच सही गल हो जो थोनू बस सरकार को कुछ करने बयान देने तुसी दो थोनू मुबारक अही तो नहीं सहमत अं तो बोलेंगे हिम्मत है तो रोक के विखा दो और भाई पंजाब की भाईचारिक सांझ वास्ते वेखो असी कोई भी गुरु का सिख है ना जी वो अरदास एक करता है नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला असी सरबत का भला मंगते हैं कि कुछ नहीं मुगल फोर्सा ने उस वेले के हुक्मराना ने
श्री हरिमंदर साहब नूं ढह ढेरी कीता, मगर जदों गुरु साहब ने सानू सिक्ख्या ही देनी सी, मैं समझदा कोई गुरसिख भी नहीं पत्थर रख सकदा सी, मगर फिर एक मुसलमान फकीर नूं मियाँ मीर जी नूं सद के वो संदेश दिता कि भाई सारे माड़े नहीं, इसलिए कदे किसी धर्म नूं निंदी जांदे आ। इत्थे कुछ लोग ने जिहड़ा ने अज ये चाहुंदे आ कि हिंदू सिख विवाद पैदा होवे, मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं ब्रेक डांस तो सिवाय कम कोई नहीं, कदे गुजरात नचा लो, कदे इधर नचा लो, अपना पंजाब होवे इह जिहे गीतां च नच नुच के आ जांदे आ, मगर कदों रोकोंगे जदों कुंडलना शुरू हो गया, इंडस्ट्री थोड़े कोल नहीं आ रही, दो दो करोड़ रुपया तुसीं डेली दा इश्तिहार दे रहे हो, 500 करोड़ लुटा छड्डिया, नौकरी मिल कोई नहीं रही, तुसीं तां कैप्टन साहब कहिंदे घर घर दे देनी है, ना वो पूरा होया, तुसीं कहिंदे मैं बाहरले गोरे लिया के इत्थे नौकरी ते ला देने, इत्थे भज्जी जांदे हर साल 3-3 लाख चढ़ी जांदे, जे कोई रह गया उहदे तुसीं सिर पड़वाउण नूं फिरदे हो, जिहड़े लोक रोकदे नहीं, जे तुसीं ते तुसीं जिम्मेवार। देखो मैं पहले दिन भी गल कही सी, मैं सूरी नाल सहमत नहीं उहदी शब्दावली नाल, मगर वो परिवार ने मैनू जरूर, क्योंकि किसी के हसबेंड सी, किसी के फादर सन, मगर सूरी करके रोकया हों तो हालात ना पैदा होंगे, इन रंगत दी जा शरारत हूँ, एक होर है वो आपका कदम किसी को माड़ा पै जाए, कहीं किसी माड़ा गया, भाई गुरु का सिख है, पर गुरु सच्चे पातशाह हुक्म नहीं, मगर एजेंसियां क्यों नहीं रोक दी, कि कोई पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है, और सूबे की सरकार ऐन मौन वरते बैठी है, नुकसान साढ़े पंजाब का, नुकसान साढ़े लोगों का होना, अखीर च जिन खून पंजाबियों का डुलना इसे उंगलों दे जिहड़ा इतने हालात खराब कर रहे हैं, मैं उन्होंने हर हिंदू वीर नाल मजीठिया खलो पहला, हर ईसाई वीर नाल, हर पंजाबी नाल, हर मुसलमान वीर नाल, हर सिख वीर नाल, जिते धक्का हो असी लड़ांगे जा, मगर ये हालात हुण बहुत हो गया भाई, रोज़ का ही ड्रामा भरिया, जिहड़ा उठता कदे किसी नूं माड़ा बोलना शुरू करता, कदे किसी नूं माड़ा बोलना शुरू करता, ये अही नहीं अही, मैं क्योंकि आए मैनू को लोग फोन करके कहिंदे भी अही आपदे आप नूं महफूज नहीं समझते, उन्हां नूं सिक्योरिटी देना सरकारां दा काम है, जे सरकार भजूगी फिर जिन्ना साढ़े च दम है भावें साढ़े गोली मार दिओ अही नहीं पिछे हटांगे, अपने पंजाबी वीरां नूं सेंस ऑफ सिक्योरिटी, भाईचारक सांझ रवे, इत्थे तरक्की आवे, अमन शांति कानून रवे, उहदे लई हर वड्डी तों वड्डी कुरबानी दे देंगे, मर जाएंगे मगर हालात खराब नहीं होंगे। और जिहड़े इत्थे गल करदे इक उह पन्नू दट निकम्मा निकम्मा सब तो मैं कहना वो तो बेवकूफ बंदा कोई नहीं, सिक रेफरेंडम वाला वो जा तेरे च जे हिम्मत है माँ का दुध पीता आ भाई इतने मंग इतने आके रेफरेंडम फिर मंगा, अमरीका च ना तुम गुरु दे सिख ना थोड़ा सिखी स्वरूप, खालिस्तान की गल करते हो खालिस्तान मतलब तो समझ लो, और इतने आके कोई उन्होंने भेजे ढाऊ तो इतने गल्ला करते ने खालिस्तान ए नहीं बनना, ऐ नहीं बनना खालिस्तान, जे बनू तो जे पंजाबी कहणगे, मगर पंजाबी इत्थे अमन शांति चाहते, भाईचारक सांझ चाहते, पंजाबी इस देश लई कुरबानियां दिंदा, और पंजाबी बॉर्डर ते लड़दा, पंजाबी कदे गलवान ते लड़दा, पंजाबी कदे जंगा ते शहीद हुंदा, एवें आके इत्थे हालात बिगाड़दे ने, इसलिए मैं हाथ जोड़ के अपील करदा कि आप दी छोटी सोच लई राजनीति लई ना पंजाब दा माहौल खराब करो, बस लैण दो पंजाबियों नूं, अगे कुछ नहीं इत्थे इंडस्ट्री रह गई, पर जे तुरी जांदे लोग डरदे आ जदों रोज दीआं खबरां वेखदे, असीं इह देश दा हिस्सा हाँ, जे सरकार को कोई अड्ड देश बना लो जां पंजाब दे लोग कहणगे रेफरेंडम तां इन्हां ने करना, अमरीका च कर देना, अमरीका अमेरिकन सिटीजन ने रेफरेंडम लियाना, मोदी वाले ने लियाना पन्नू ने, जां कनेडा बैठे किसी ने लिया, नहीं भाई रेफरेंडम का मतलब तो समझो, एवें देश नूं गुमराह करना, न्याणे मरवा देने, जदों किसी न्याणे का खोल रूम रोड़ता 15-15 साल के न्याणे अंदर कराते हैं पोस्ट शेयर करने के चक्कर, कौन चाहता जी यह देश, कौन चाहता यह हालात, गुमराह करने वाली राजनीति बंद होवे, इन्हां लोकां नूं सरकारां भी नजिठे, देश च पंजाबी चाहते अमन शांति भाईचारक सान और कानून की बात है, मुख्यमंत्री साहब की गल की
सर मैं थानू एक गल दसदा जी, मेरा मेरा स्टैंड इंसान मैं पंजाबी होने के नाते मेरा स्टैंड मैं आपके स्टैंड ते कायम हाँ, भावें मेरे नाल कुछ सहमत है कि नहीं है। मैनू अफसोस है कि मुख्यमंत्री बोलता नहीं। मैनू रोज़ अमृतसर शहर तो साढ़े हिंदू वीर फोन करके कहते कहते यार की हो गया, जवाब ही कोई नहीं, जिन्हों जवाब दी वो बोलते नहीं। मैं अज पुछदा सरकार नूं कि जेड़े बंदे नफरत दे वी बोल रहे हैं पंजाब च, जिहड़ी पुठी सदियां गल्लां कर रहे, एक धर्म नूं अपमानित कर रहे, गुरसिख नूं हुक्म नहीं गुरु वल्लों, गुरु दे वल्लों हुक्म इक्को ही है कि सब दा सत्कार करो, हर चीज़ दा सत्कार करो। उन्हां दे मूंह क्यों नहीं बंद कराए जा रहे? की शरारत है, पोलराइजेशन है? फिर इत्थे की तुसीं 80 ते 90 दे उन्हां हालातां च लाना चाहुंदे हो कि हर गली च खून डुल्लू? मैं नहीं चाहता। आपां तां पहला दवांगे कुरबानी, ये हालात नहीं पैदे होण दवांगे। मुख्यमंत्री बोले ना लोग बोले, वो बेसमझ है, उन्हूं कुछ नहीं रह गया, उन्हूं वोटां तो सिवाय आपकी डिस्को डांस तो सिवाय उन्हूं समझ नहीं आ रही शायद जो हालात बन रहे पंजाब च। एवरी डे कोई चंगा पंजाबी भी है ना, वह भी इसनूं चंगा नहीं समझदा। और इस गल का संकेत लोगों ने कई बार देता, मगर सरकार समझ नहीं सकता। यार लॉ एंड ऑर्डर तो है ही कोई नहीं, जदों एडे गंभीर मुद्दों पर सरकार नहीं बोल रही। तुसी कमाल की गल वेखो, एक लंडा फंडा डंडा ये मारो मार चार चार छित्र रहे जाए, एक दूजा वह गोल्डी बराड नित बयान दे रहा कि मैं जो मैं तुम थानू शायद अंदाजा नहीं जी, कोई साहबे नसीब बंदा अच्छ पुलिस को जाके राजी सब परौती दे रहे, मगर डरते जाके राजी नहीं, क्योंकि एक मिनट चाह मैसेज आ जाता। उ हालात बने हैं, कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं, कोई सेंस ऑफ रिस्पोंसिबिलिटी नहीं। पंजाब नूं तुहाडा अगे नैशनल सिक्योरिटी एडा वड्डा मुद्दा है, गुआंढी देश पाकिस्तान चाहुंदा इत्थे हालात खराब होण, उत्थे बैठे पाकिस्तान च इत्थे नॉनसेंस गल्लां करी जांदे। कोई कहिंदा जी हुण की लश्करे तैयबा जिहड़ा हुंदा सी हुण लश्करे खालिस्तान बनाता, की नॉनसेंस आ। पंजाब नूं तां पुछ लो, पंजाबी नूं तां पुछ लो की चाहुंदा हो। श्री हरिमंदर साहब लोकी झोलियां अड के नीवे होके ना मतलब भुला बख्शाउण जांदे, ते एक सीन होर है जिहड़ा किहड़ा रीक्रिएट किया जा रहा है। नकली ने नकली रहना भाई, असली ने असली रहना। मेरा वीर मानसिकता समझो, मानसिकता समझो, लोगों नूं गुरु घर च की लोड़ है वैपन दी? शस्त्रधारी गुरु ने जरूर किया, मगर गुरु साहब ने फिर यह भी किया कि तेरी रक्षा मालक आप करू, हलीमी च तो रहो, निंदो ना, निंदो ना। थोड़ा गुरु तो सरबत दे भले दी, रोज हर गुरसिख को अरदास कराउंदा थोड़ा गुरु। यार ये सब ड्रामा नॉनसेंस गल्लां ने, गल कल्चर नूं लैके कोई सीरीयस है? उन्हां नाल तां रोटी साझी करदे रोज। देखो मैं ना जी, तुसी ना सिद्धू मूसेवाला एक बहुत वड्डे आर्टिस्ट होने, शख्सियत होनी, मैं उन्हां नूं उस रूप च नहीं वेखदा। मैं एक रूप कल्ला उह मापे दे दर्द वल्लों मैं जरूर बयान दिंदा, उन्हां लई तां पुत्तर सी भाई। पर गैंगस्टरां नूं नहीं सुरक्षा क्यों दित्ती जा रही? इह तां सरकार दस्से जी क्यों दे रहे जी, इह तां उहनूं मतलब हीरो टाइप पेश हो रहा, इन्हों की फरौती का अमाउंट होर वध जाना। लोगों ने जद इन्हों के जो सेवा भावना हो रही आ जो प्रितपाल जो टीम जेलों की हो रहा, सारी प्लैनिंग केड़ी जेल च हुई जी? तिहाड़ जेल च। तिहाड़ जेल जी कि प्रबंधा हेठ है? आम आदमी पार्टी थले। कौन सी तिहाड़ जेल च मंत्री? सतेंद्र जैन। सतेंद्र जैन से की आरोप लगे ने? सुकाश चंद्र शेखर ने कहा कि मैं 2 करोड़ दिता, उन्हें तो सीधे ही लाते, तो किन्ने होर देंदे उन्होंने पैसे? जेल च बह के की कुछ पंजाब च करता? और जो टीनू फरार होया सारी प्लैनिंग कही? गोविंदवाल साहब जेल से, जेल का डी जी पी कौन सी? हरप्रीत सिद्धू जवाबदेही क्यों नहीं? जेल का मंत्री कौन सी? हरजोत बैंस जवाबदेही क्यों नहीं? अज इतों बदली करा के कोई आई टी बी पी चले गए, हाल तू भाई पंजाब का की छड़ गया? सियासत कर ली,
रिश्तेदारी च जो तू आपका पत्र पाना सी वाह लिया, मगर पंजाब च ड्रग्स के हालात तो जेलों के हालात तुम की छड के गए हो। और मंत्री कदे हिमाचल च नचता फिरदा, मुख्यमंत्री गुजरात च नचता फिरदा, पंजाब आप दे हाल ही आप जिम्मे फिरौती ना करो। ऑफ कैमरा करके चले जाए, कोई भी नामी डॉक्टर, कोई भी छोटा जहा डायग्नोसिस सेंटर, कोई भी प्रॉपर्टी डिवेलपर, कोई भी उन्हें एक फोन आता उस वक्त वो दे देना। सानू तो लोग मैनू फोन कर कर कह रहे कि साढ़े हालात की कुछ दिन पहले एक ब्याह भी जाके गुंडागर्दी की जाती है। NRI से उन्होंने भी कहा कि पंजाब से असी हम दोबारा आवेंगे नहीं। तुहानू नहीं लगता कि पंजाब इस हिसाब के नाल काफ़ी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा? जेकर हर कोई कोई इंडस्ट्री इतने लिया के राजी नहीं है, कोई जो NRI है वो नहीं, हालांकि सरकार कहती कि अभी गोरे जोड़े वो इतने पढ़ने वास्ते बुलावेंगे। गोरे छड्डो, मान साहब आपके दोवें न्याणियों नूं लिआओ, गोरे तो दूर की गल क्यों यार तुसी लोकां दा, पंजाब दे लोकां दा बेवकूफ बना रहे हो। देना दा तुसी कुछ नहीं, भाई अमन शांति रख लो, भाईचारक सांझ नूं बरकरार रख लो। यार मैं हुण इत्थों असी हर पिंड च चले जाओ, अज मैं जा पुछ के, मैं पहला कदे करदा नहीं हुंदा, तुहाडे सामने सी हिंदू भाईचारे दे बंदे बैठे सी कि नहीं बैठे सी, मसीह भाईचारे वाले बैठे सी कि नहीं बैठे सी, मुसलमान भाईचारे ले बैठे सी कि नहीं बैठे। सारे इस पंजाब की धरती वास्ते उन्हों का दिल धड़कदा, पंजाब की इकोनमी च, पंजाब की तरक्की च योगदान पाउंदे। और कोई ये महसूस क्यों करे कि आज वो महफूज नहीं है, इतनी कि साड़ी रिस्पोंसिबिलिटी नहीं? यार मैनू वोटा पैन ना पैन, मैं लड़ाई लड़ू, ये हालात नहीं पैदा होते हैं जब मजाक। मुख्यमंत्री ये ओनस मुख्यमंत्री तो होम मिनिस्टर तो यह जिम्मेवारी लैन का, चार बदलियां करतिया, बदलियां पहला भी भाई तू कीतियां सी, उन्होंने तेरा जो आदेश ही सीधा नहीं तो बदलियां तू चार फेर कर देंगा। मतलब कि अज कमिश्नर जिम्मेवार ठहरा के जां एक अफसर जिम्मेवार ठहरा के प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? नहीं होनी। सरकार भगवंत मान उन्होंने पॉलिसी केजरीवाल की हालात बनाते हैं जी पंजाब। यू टैल मी वन इंडस्ट्री जी आ रही, भगवंत मान का झूठ तो उतों ही फड़िया गया, पराली का जोड़ा उद्घाटन कर आए है, क्यों सोशल मीडिया से आ गई कि डेढ़ साल पहला दी चल रही है नवी इंडस्ट्री, दस दो कि आ रही। हर प्रॉपर्टी इनवैसटर जोड़ा है ना जी पंजाब का होम ग्रोन, मेरी बड़िया ना गल, 10 साल असं भी सरकार से रहे हैं, 20 साल MLA के रूप से रहे, मेरी जिन्हें भी गल होंगी है एवरीबडी इज़ होल्डिंग इनवैसटमेंट, वो कह रहे बाहरले सूबे च कर लो जाके इनवैस्ट, हू विल सफर, इनवैसटमेंट नहीं आई अखीर च सफर कौन करूगा? पंजाबी नौजवान, नौजवान बच्चा तो बच्ची उन्होंने नौकरी नहीं मिलनी, ये बाहरले गोरे लिया फिर दे। सब तो धरने छो मेरा वीर, एक सिप्पी शर्मा मैं समझदा है एक तो वड्डा धरनिया च नौ कोई नहीं, क्यों जिन्हों केजरीवाल ने 500 किलोमीटर आ जाके दिल्लियों आया वापस गया उन्होंने भैन आख्या, तेरी भैन तो अज भी भाई टैंकी से चढ़ी है, तू वो तो सुनता नहीं, तू पंजाब के भरावां भैणा की कितों सुनेगा जे तू आपकी भैन की नहीं सुन। इसलिए बाकियां दे की हालात आ, अज बसा का की कल हालात बने, कल असी सारे घंटे वन आवर असी जैम च बसे से, क्यों बच्चे बच्चियां बुजुर्ग निके निके न्याणे सड़कों पर रुलते सी क्योंकि बसा ही नहीं सन, सैलरी नहीं दे रहे, दो ढाई सौ 300-300 करोड़ थोड़ा जमा जे देने वाला बकाया, मगर 500 करोड़ इश्तहार गुजरात च हिमाचल च ऑल इंडिया च देने ली कि थोड़ी फोकी बल्ले बल्ले होवे उहदे लई थोड़े कोल पैसे। आने वाले स्टेट 5 स्टेटां च इलेक्शन है कहिंदे सी उत्थे भी लड़ने हैं, पूरे हिमाचल दे विच हो चुकी है, लग रहा है वी उत्थे इधर कोई रिस्पोंस यार ओ तो चलो लोकां ने वोटां पाउणियां ने, मगर देखो मैं मेरे मैनू की प्रॉब्लम, मेरे दिल की हुंदा जदों मैनू कोई, मेरा वीर शर्मा जी तुम मैनू फोन करके कहोगे, तुम हिंदू भाईचारे नाल संबंध दिते, जो तुम मैनू फोन करके कहोगे मैं सेफ नहीं फील करता, तो की मेरी जिम्मेवारी है? मैं थोड़ा 15 सालों का वर्त रहा थोड़े इसे तरह, कोई मसीह भाईचारे का इतने है, जे वो मैंने कहे कि यार साडे प्रभु यसु मसीह को गाला करता इतने कोई रोकता, मेरे को दर्द नहीं हो क्योंकि साडे गुरु ने नहीं सिखाया भाई, ये साडे गुरु ने तो गल लाने सिखाया,
गल ना लाओ सरबत का भला साडा सच्चा पातशाह रोज सानू समत दिंदा है सरबत का भला मनो इत्थे सिर्फ ते सिर्फ चार नोट इकट्ठे हो जाण साडी फोकी बल्ले बल्ले हो जाए उस काम नूं तेनूं कढ दिओ वाला उहनूं कढ दिओ वाला अमृतपाल नूं किदां वेख रहे पंजाब दे वाल ओ मैं भाई जिन्ना कुछ कहता ना हुण जे तेनूं हल्ले ना समझ आवे ते फिर तूं जो मर्जी सोची दिल्ली पुलिस पंजाब चांदी है इक गल याद रखी असली असली है ते नकली नकली है डुप्लीकेट ने डुप्लीकेट रहना असली ने असली रहना रीसा करके दिल्ली पुलिस बड़ी एक्टिव है पंजाब च पंजाब च कोई भी क्राइम हुंदा टारगेट किलिंग हुंदी है पंजाब पुलिस पड़ नहीं पाती दिल्ली पुलिस आगे पड़ रही है भगवंत मान जी ने तो आप जाके चंडीगढ़ पुलिस दे रेजिंग डे ते कहता कि चंडीगढ़ पुलिस इन्नी चंगी है कि लोग इत्थे सीट बेल्ट भी पाउंदे ने इत्थे चंडीगढ़ पुलिस संतरी ते मंत्री दा फर्क भी नहीं रखती इत्थे पैसे भी नहीं लैंदी हुण इहदा उल्ट मतलब की कि जिहदा होम मिनिस्टर मैं आप हाँ भगवंत मान आप है उत्थे लोग आप ही कही जांदा उत्थे कहिंदे पैसे भी लैंदे आ उत्थे मंत्री ते संतरी दा फर्क भी रखदे आ टारगेट ते बुलेट प्रूफ दी जैकेट फड़ा दिंदे कि भाई सवारी आप दे समान लई आप जिम्मेवार आप बाजू जिहड़ा बादशाह भगवंत मान सिंह सो तुसी जेड़ा मेनू सवाल कर रहे हो शायद यही नहीं फड़न दे रहे पहला भावरे नूं निंदता कि वह माड़ा कल चार दिन बाद गौरव यादव नूं कह देणगे कि इहनूं कुछ नहीं आउंदा तू ही पाला वर्दी नाले वर्दी पाया भी सोना लगेगा लोगों ने पहली बार इहो जिहा जोकर वेख्या होना डी जी इन्हें वर्दी च अगे पुलिस दीआं वर्दियां पाउंदा रहा इहदी अगे आउंदियां रहियां उह लाल पग जी जदों इह बनदे हुंदे सी उह बन लैंदा हुंदा उह पा के बिठा दिओ इहनूं तां कोई डी जी पी दी कुर्सी दी ਲੈ ਲਓ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ ਸੱਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੁੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸਵੇਰੇ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਵਸਦਾ ਆਪ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਦਊਂਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਚੱਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।